energy distribution function. Next topic is your Maxwell-Boltzmann MB energy distribution function. For which energy state
particle is maximum. ठीक है, number of is जिसपे बार बार आए, हर बार particle को सबसे ज्यादा मैं E2 पे भेज दूँ, सबसे ज्यादा E2 पे भेज दूँ, फिर जाओ तुम E2 पे, फिर जाओ तुम E2 पे, तो जो उसकी एनर्जी होगी वही क्या होगी पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी मानी जाती है. तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाली तो उसकी निकालो, क्योंकि सबसे पार्टिकल जिससे बाकी एक आध इधर उधर पड़े उनको कैलकुलेट कर लो. ओके, आपका ओके, तो ये हमें निकालना है. नाउ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स व्हाट इज योर मोस्ट प्रॉबल डिस्ट्रीब्यूशन. मोस्ट प्रॉबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी एन आई शुड जीरो. मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा लेते हम, नंबर ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. तो क्योंकि ये बहुत ऐसे हम अगर इसको रखें तो हम इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते. ठीक, सो मैथमेटिकली टू मेक इट इजी व्हाट वी कैन डू, जहां पे भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है हम नेचुरल लॉग ऐड कर सकते हैं. लॉग से हमें डिफरेंशिएशन करने का रिजल्ट भी मिलता है और जब चाहे तब हम उसका एक्सपोनेंशियल सीरीज में बदल के उसका आइडियल लॉग निकाल के फिर से नेचुरल फॉर्म में ला सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट ऑफ लॉगरिथम. लॉग की एक खूबसूरती है, तो इस खूबसूरती को हमने यहाँ पे यूज किया है. एंड नाउ लेट्स सी डी अपॉन डी एन आई ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू, मतलब डी अपॉन डी एन आई ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू मीन्स लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन जी आई एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं. तो आपको क्या मिल जाएगा, डी ऑफ डी एन आई इज इक्वल टू लॉग फैक्टोरियल एन प्लस एन आई लॉग ऑफ जी आई. याद रखिए ये लॉग यहाँ पे नेचुरल लॉग है. ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस लॉग एन आई ऑफ. ठीक है, अब हमें इसको पूरा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एन आई. व्हेन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी एन आई व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, आई विल गेट हियर डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके घर पे देख सकते हैं कि कितना आंसर आएगा. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे छोड़ के मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ. देट व्हाट यू विल गेट एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट वी सी दिस वन, ये अपनी क्वेश्चन आ गया मैथमेटिक्स में. तो मैथमेटिक्स के मैं फिर इसको देखिए यहाँ पे देखती हूँ. यूजिंग स्टर्लिंग थ्योरी, स्टर्लिंग थ्योरी हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज क्लासिकल सिस्टम इन विच वी कंसिडर मैनी पार्टिकल. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डिस्क्रिप्शन मैनी पार्टिकल्स के ग्राफ पे होता है. तो एन इज वेरी हाई एंड एट द सेम टाइम एन आई जिन पार्टिकल को हमको जिस पे इतने पे रखना है दैट इज ऑल्सो ओवरऑल इज वेरी हाई. सो इफ बोथ आर वेरी हाई तो लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन ये बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे हम स्टर्लिंग थियरी यूज करेंगे. स्टर्लिंग फॉर्म में मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन लॉग कैपिटल एन. ओके, देन एक और ये लिखा है लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन आई लॉग ऑफ स्मॉल एन आई. तो ये फॉर्मूले जब आप यहाँ पे यूज करोगे देन व्हाट यू विल गेट एन आई इज इक्वल टू
इसकी डेरिवेशन थोड़ी लंबी है और भी ये पॉइंट्स इसमें, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट में आपको बता रही हूँ. व्हाट यू विल गेट रिलेशन, यू विल गेट डायरेक्टली एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा और ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई. This you will get the result. Ni is equal to gi e raised to the power minus alpha e raised to the power minus beta of ti. तो यहाँ से क्या है? यहाँ से आप ये formula लगाओगे, इसको differentiate करोगे. ठीक, differentiate करने के बाद एक step और है, तो वो मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ? Wait, hold. Particle behave as a
सी है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब देन इट इज आइडियल गैस सिस्टम। इन दिस केस में क्या है वो सिस्टम क्या होगा, आपका आइडियल गैस सिस्टम होगा। सो व्हाट इज दिस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज v एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज n। ठीक, तो एक का वॉल्यूम हमें मिल गया और डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम से रिलेशन है 1/3 का, तो 1/3 v by n is to the power 1/3 is always greater than lambda of t। तो पार्टिकल इज रिटन अंडर थर्मी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कई बार पूछा एग्जाम में व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपका क्या है, दिस इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। इसका कितना वेवलेंथ होगा डी ब्रॉगली, इस टाइम में इसका कितना मोमेंटम है, उसको निकाल के हम इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सम मोर थिंग आई वाज सीइंग इट, आई विल टेल यू अबाउट। अब हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू सम ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व। ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा, इसको हम सॉल्व कौन सी करते हैं, एक्चुअली ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा, अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करें, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ रखा है, ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू जी डी ई जीरो टू इन्फिनिटी जी ई डी ई। डेंसिटी ऑफ द स्टेट में आप पढ़े हो कि कोई भी सिस्टम दे रखा है, कोई भी सिस्टम दे रखा है, उसका हम डेंसिटी ऑफ द स्टेट जी डी कैसे निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। ठीक, बट आई एम टेलिंग यू हियर डायरेक्टली फॉर्मूला और एक लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक, तो देखिए हमें ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा इन्फिनिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू n upon v, n upon v into lambda h square, lambda upon h square 2 pi n kt, I think this one, lambda upon h square upon 2 pi n kt, e raised to the power minus alpha is equal to n upon v h square upon 2 pi m k t। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है, इन 3D, इन 2D, इन
वन डी. ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा, इसको निकालते तो इस तरीके से है, लेकिन इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप ये चीज याद करें. देखिए वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम, 3D में, 2D में आपका एरिया रहा हो, और 1D में आपकी लेंथ, बाकी अंदर का चीज सेम ही है, एच स्क्वायर अपॉन 2πfkg. ओके, अब हमारे पास क्या है, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई एम कमिंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. मैं इस चीज को यूज करूंगी, इसको और FE को, FE इज इक्वल टू NI अपॉन GI इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस अल्फा e रेज टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन h का क्यूब. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं,
पालना माइक्रो कैनोनिकल एंड जिम्बल का जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था जीईडी कैसे निकालती है 1/h³ इंटीग्रेशन dx/dy से dp/dy/dz से ठीक है। तो जब हम ये आपने पढ़ रखा था dx/dy/dz और dpx/dpy/dpz इसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको फिर से मिलेगा यहाँ पे हाँ
LDA होगा n upon a, ये कोई पावर नहीं, और ये हो जाएगा 2 पाई b की जगह a upon pi 2n by 2 square की जगह यही हो जाएगा, इसमें पावर 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे d e बन जाएगा। ठीक, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, 2m इधर कैंसिल, h स्क्वायर h स्क्वायर इधर कैंसिल, a a इधर कैंसिल, तो आपको क्या मिला, n upon pi 1 upon n upon pi स्क्वायर m k t e raised to the power minus beta of e into t। ये हो गया आपका आंसर फॉर 3D के लिए। सिमिलरली अगर आप 1D के लिए करोगे तो 1D के लिए आपको क्या आना जाएगा, दिस इज फॉर 3D, सॉरी 2D। 1D के लिए आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट में आपका n upon root pi वन अपॉन के टी रेज टू द पावर 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस ई बाय के टी और डी ई, ये किस में है, ये आपका है 1D। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये लिखेंगे। इसी तरीके से आप ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सो व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, टू फाइंड एवरेज एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखना मैंने आपको बता दिया, आप करते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आइडियल गैस, ठीक, या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये कितना होता है,